हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेज मेकओवर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। या तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेट एंड रेडी विद मी। तो ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगा, मैंने इसको शेयर किया था। तो जैसे अपकमिंग आप वेडिंग सीजन है, तो आप इस तरह का मेकअप लुक आप शेयर कर सकते हैं, यानी आप अपने ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस मेकअप लुक को ज़रूर जाके देखिएगा मेरे चैनल पे जाके, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। या तो अब ये वाला जो वीडियो होने वाला है, ये गेट एंड रेडी विद मी है। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना जो मेकअप है वो हैवी मेकअप हो या फिर वाटरप्रूफ मेकअप हो, तो अपने मेकअप को मैं कैसे रिमूव करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी ज्वेलरी को रिमूव करती हूँ, हेयर्स को टाइप कर देती हूँ, इसके बाद मैं अपने ड्रेस को भी मैं चेंज कर लेती हूँ, कंफर्टेबल ड्रेस में आ जाती हूँ। या इसके बाद मैं अपने लैशेस, यानी लैशेस अगर आप यूज़ करती हैं तो लैशेस और लेंसेस को आप रिमूव कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने लेंसेस को रिमूव कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि लेंसेस के अलग एक सेपरेट वीडियो, अगर आपको लेंस लगाने नहीं आते हैं तो मैं आपको लेंस लगाने के मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको इस तरह का वीडियो आपको देखना चाहते हैं। या तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मेकअप को रिमूव करने के लिए। और यहाँ मैंने मेकअप रिमूवर यूज़ किया है, जो कि है यहाँ पे मैंने बाम यूज़ किया है। ये मेकअप रिमूवर बाम है, ये आपको purple.com से आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा बाम है, अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो बिल्कुल एक बाम की फॉर्म में आता है और बिल्कुल बहुत ही स्मूथ होता है। अगर आप अपने पूरे फेस पे लगा के इसको, फेस हल्के हल्के हाथों से आप मसाज करिएगा, रब करिएगा, आपका मेकअप जितना भी वाटरप्रूफ मेकअप होगा गाइस, लिटरली आपको पूरा मेकअप मेल्ट होके वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस में मेकअप रिमूवर लगा के और उसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, देन कुछ सेकंड बाद ही मेकअप मेल्ट हो जाता है। और यहाँ मैंने कॉटन पैड से अपने फेस को, फेस का जितना भी मेकअप था, आई मेकअप था या लिप मेकअप था, वो मैं अच्छे से उसको क्लीन कर लूँगी। तो अगर आप मेकअप करते हैं और मेकअप रिमूव करती हैं, तो आप इसी तरह से आप सबसे पहले जो स्टेप यूज़ करेंगे, तो आप मेकअप को रिमूव करिएगा, डायरेक्ट फेस वॉश मत करिएगा, पहले मेकअप को रिमूव करके देन उसके बाद अपने फेस को क्लीन करिएगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है, यहाँ पे मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। यहाँ मैंने लिया अरोमा मैजिक का मिंट क्लींज़र यूज़ किया है। आपके पास कोई भी क्लींज़र हो, या अगर आप फेस वॉश यूज़ कर सकती हैं, जो भी आप फेस के लिए ट्राई कर रखा है, या फिर आप, आपका जो स्किन केयर है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरोमा मैजिक का यूज़ किया है। इसे क्या होता है, हमारी स्किन की जितनी भी डर्ट होती है, पॉल्यूशन होता है, जितना भी डीप मेकअप होता है ना गाइस, वो बहुत ही इजीली रिमूव कर देता है। काफ़ी आपने देखा होगा वाटरप्रूफ मेकअप ऐसे होते हैं कि बहुत ही रगड़ रगड़ के निकालना पड़ता है, वो निकलता नहीं है। बट आपको रगड़ना नहीं चाहिए, फेस पे आपकी स्किन पे हार्श लाइन्स भी पड़ सकती हैं। तो आप कुछ इस तरह का आप प्रोडक्ट यूज़ करिए जो आपके मेकअप को इजीली रिमूव कर दे। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने स्किन, यानी अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर लिया है फेस क्लींज़र से। इसके बाद थर्ड स्टेप पे आएंगे, यहाँ मैंने टोनर यूज़ किया, काया का प्योरीफाई टोनर यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद आते हैं यहाँ पे मैंने कॉस्मो का मैंने जो है मॉइस्चराइज़र लिया है। गाइस, मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी, ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मेरी स्किन केयर, यानी मेरे जो स्किन केयर आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। और ऑयली स्किन के लिए, यानी अगर आपके ओपन पोर्स हैं या फिर अपने एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप इस तरह के मॉइस्चराइज़र को भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे एक्सेला का भी मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है, ये भी ऑयली स्किन के लिए है। तो मैं आपको इन दोनों के प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये डॉक्टर्स के रिकमेंडेड प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी, कुछ मेरी स्किन पे यानी ओपन पोर्स भी थे, हो गए थे, और काफ़ी स्किन हार्श हो गई थी। देन मैं डॉक्टर स्किन डॉक्टर के पास गई थी, तो स्किन डॉक्टर ने मुझे ये वाले प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे, तो मैं इसको यूज़ करती, काफ़ी बेनिफिट है मेरी स्किन को, काफ़ी बहुत ही अच्छे, यानी पहले से बहुत अच्छी स्किन हो गई है मेरी। या तो इसके बाद मैं अपने फेस पे, फेस स्किन केयर हो गया है, इसके बाद लिप बाम लगाऊंगी। यहाँ मैंने बायोटिक का लिप बाम यूज़ किया है। तो गाइज़, आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा बहुत छोटू सा स्किन केयर, आई जस्ट होप आपको पसंद आया होगा मेरा स्किन केयर। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।